हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रेक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह बेबी क्रोचेट का एनिमल लेकर के आई हूँ। यह एनिमल हमारा मंकी है, इसे आज मैं बताने जा रही हूँ। ऐसे इसके पहले के सीरीज़ में मैंने टेडी बियर का प्लस फॉक्स का और लायन का बताया है। आज यह आज के सीरीज़ में मैं इसे बताने जा रही हूँ। इसे बताने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बीच का फेस राउंड में बनता है, उसके बाद इसे स्क्वायर बनाने पड़ते हैं। इसे आप स्क्वायर बनाने के लिए आप हमारे चैनल के वीडियो पे आप देख सकते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है, और ऐसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप उसकी सहायता से भी आप हमारे चैनल के वीडियो तक जा सकते हैं। उसे बनाने के बाद इसके ऊपर अलग अलग पार्ट पे यह फेस का शेप बनाया गया है। इसे कैसे बनाने हैं आज मैं बताऊंगी। तो चलिए आइए इसे कैसे बनाने हैं उसको सीखें। इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए कैसे इसे बनाते हैं उसके बारे में मैं बताऊं। इसे बनाने के लिए जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो पर स्क्वायर बनाने का प्रोसेस बताया है, स्क्वायर बनाने से पहले जैसा कि यह फेस पहले बनाना होता है, फेस बनाने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर बनाना होता है। इस स्क्वायर को बनाने के लिए आप मेरे चैनल के वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके बनाने के बाद आज मैं आपको जैसा कि मैंने बताया यह फेस एनिमल फेस बनाने जा रही हूँ। यह मंकी का है। इस पर मैंने यह एक फेस के ऊपर जैसा कि यह दिखाई पड़ रहा है, यह इसका ईयर है, एक ईयर मैंने बना रखा है। अब मैं यह ईयर कैसे बनाई हूँ उसके बारे में बताऊँगी। इतना तक तो आप मेरे चैनल के वीडियो के माध्यम से बना ही लेंगे। आगे अब कैसे बनाना है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। आगे यानी कि दूसरा ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना बनाने के लिए यहाँ हमें ध्यान देना है। ये मेरा कॉर्नर का जो भाग है, कॉर्नर के भाग से जो ये स्टिच है, ये स्टिच, इस स्टिच के ठीक एक के बाद ही दूसरे स्टिच पे हमें इसी धागे से इस तरह से एक फंदे बनाने हैं, और यहाँ से हमें इस तरह स्टिच कर लेना है। उसके बाद एक दो चैन लेने हैं। दो चैन के बाद हमें सेम स्पेस पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया बना, अब फिर नेक्स्ट स्टिच, ये इस नेक्स्ट स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाया गया। अब सेम ठीक इसी तरह नेक्स्ट स्टिच पे भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो हमारे टोटल यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, फिर नेक्स्ट स्टिच पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि यहाँ टोटल हमारे सात डबल क्रोशिया मिलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। उसके बाद दो चैन लेने के बाद इसे टर्न करना है। टर्न करने के साथ यहाँ पे हमें थोड़े से ध्यान देने हैं कि पहला जो स्टिच है उसके ऊपर हमें इस तरह से बनाना है, नेक्स्ट स्टिच पे ये दो फंदे रखने हैं, यानी कि एक बार ही हमें फंदे को बंद करने हैं, डबल नहीं। यहाँ पे हमें दो फंदे रह गए। नेक्स्ट तीन फंदे, एक दो तीन,
अगेन नेक्स्ट चार फंदे, एक दो तीन चार, पांच, एक दो तीन चार पांच, छः, एक दो तीन चार पांच छः, सात, एक दो तीन चार पांच छः सात। अब इस सात फंदे को एक साथ हमें इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह बंद करके यहाँ कट कर लेना है। यह कट करने के साथ ये वाले पोर्शन को यानी धागे को पीछे की ओर दोनों धागे को हमें पीछे की तरफ से निकाल देना। इस तरह से हमारा ये पन्ना तैयार हो जाएगा। इस प्रकार हमारा दोनों एयर पन्ना तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ यानी कि इसके माउथ को बताऊंगी माउथ कैसे बनाना है। यह हमें इस तरह का बनाना है, इसे कैसे बनाना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने ये हल्के क्रीम कलर का ऊन लिया है। एक दो तीन चार, चार चैन बनाने के बाद फिर लास्ट स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें स्लिप करने हैं इस तरह। स्लिप होने के बाद अब इस पे प्रत्येक स्टिच पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया यानी कि हमारा फर्स्ट राउंड 12 डबल क्रोशिया होगा, सेकंड राउंड 24 डबल क्रोशिया से कंप्लीट होगा। सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड राउंड में 24 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ इसे स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के साथ यहाँ पे एक दो
तीन और एक दो, या इस तरह से तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब इस पे तीन डबल क्रोशिया बना लिया गया है। पलट लेने हैं इसको। पलटने के बाद सेम स्पेस पे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस पे डबल डबल क्रोशिया, यानी कि इसे काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगेन प्रत्येक स्पेस पे डबल डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक, सेम स्पेस पे बनाने हैं दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, इस तरह से एक राउंड, दो राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड पे एक दो तीन, सेकंड राउंड पे एक दो तीन चार पाँच, और थर्ड राउंड पे एक दो तीन, यानी डबल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ डबल क्रोशिया तैयार कर लें। अब इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद अब इस पे हमें ब्राउन कलर के ऊन का इस्तेमाल करना है। अब यह इसके ऊपर ब्राउन वाले एक दो तीन, प्रत्येक स्टिच पे डबल डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक, सेम स्पेस पे दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इस तरह से इसका बीच का फेस तैयार हो जाएगा। इसे कट कर लेने हैं। इस तरह पीछे करके ताकि धागे खुले नहीं, उसे कट कर लेना है।
ये हमारा एक फेस का एक पार्ट और तैयार हो चुका है। अब मैं इसके यहाँ पे आईज बनाने के लिए बताऊंगी। आईज बनाने के लिए इस कलर का इस्तेमाल करना है और इसे कैसे बनाना है। एक दो तीन सेम स्पेस पे आप डबल क्रोशिया से भरेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और लास्ट यहाँ पे हमें स्लिप कर लेने हैं इस तरह से स्लिप कर लेना है। इस तरह से हमें टू बनाने हैं। इस तरह से हमें दो पीस तैयार कर लेने हैं। एक यहाँ और एक यहाँ। अब मैं इसे सिलने का प्रोसेस बताऊंगी। सिलने के लिए आईज को हटा लेना है। इस पोर्शन को थोड़ा सा इसके ठीक नीचे इस तरह से रखने हैं और इसे सिल लेना है। इस तरह से पूरे राउंड हमें सिल लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हुए हमें आईज को भी यहाँ पे बैठाना है। आईज को भी साथ में इस तरह से इस तरह में काउंट करते हुए सिल लेना है। पूरी सिल लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। अभी ये सिलने के बाद इसके बीच पोर्शन पे आईज का सिंबल देना है। इसे करने के लिए
हम सेंटर को इस तरह से उस सेंटर से निकालने हैं इस तरह से दोनों आइज को कंप्लीट करना है। एक आइज कंप्लीट हो चुका है, अब ठीक सेम इसी तरह दूसरा आइज भी हमें कंप्लीट करना है। इसके लिए बैक साइड से धीरे धीरे हमें दूसरे आइज के पोजीशन के पास आना है, इस तरह से या सेंटर इसके सीधे पे सेंटर पे फिर उसी सेंटर से दोबारा निकालना है। और सेम थोड़ा सा हटकर इस तरह से आइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बैक साइड पे इसे हल्का फंसाते हुए इसे कट कर लेने हैं। इस तरह से हमारा ये मंकी अभी थोड़ा सा बाकी है। यहाँ जैसे कि यहाँ पोर्शन पे एक थोड़ा सा पार्ट बनाना है। अब इस पे इसके माउथ के पास हमें एक सिंबल बनाने हैं, इस तरह से यहाँ से उठाने हैं और यहाँ इंड पोर्शन के पास इस तरह से निकाल देना है। ठीक उसी तरह उसी के बराबर पे फिर जाना है, इसके ठीक यहाँ पे इस पोर्शन से निकालना है। अब ठीक इसके ही लंबाई तक हमें यह हमारा कंप्लीट मंकी तैयार हो गया है। इस तरह से कट कर लेना है। यह हमारा मंकी का स्क्वायर तैयार हो चुका है। कुछ कुछ जैसे कि ये सब धागे हैं इसे हटा देने हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।